नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात करूंगा आज छापर चातुर्मास की। आज कोई साक्षात्कार नहीं है और न ही कोई शिकायत है। एक वीडियो लिंक है छापर चातुर्मास यूट्यूब चैनल का, जिसमें जो दृश्य आज देखने को मिला वो दृश्य निश्चित रूप से सराहनीय है। व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जी माणकचंद जी नाहटा जी और उनके साथ प्रकाश चंद जी, दोनों व्यक्ति संभवतया डाल कुटेर विहार के जितने भी सम्मानीय श्रावकगण विभिन्न प्रदेशों से गुरु दर्शन सेवा की भावना से आए हुए हैं, उन सब से एक एक करके मिलना और उनसे पूछना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और उसके बाद जो उनके जवाब थे, सिर्फ 5-7% के व्यक्तियों ने कोई सुझाव दिए, कुछ अपनी बात कही, कोई समस्या बताई, बल्कि अधिकांश व्यक्तियों ने इस व्यवस्था की भूरी भूरी सराहना की। अब ये बात सिर्फ इन कोठड़ियों की नहीं है। जब कोई व्यक्ति व्यवस्था की सराहना करता है तो वे निश्चित रूप से वो सड़क मार्ग की भी करता है, वहां भी उसको कोई शिकायत नहीं मिलती। यह भी सच है कि पहले जो वीडियो थे उनमें लोगों की शिकायतें भी थी और आज का दृश्य भी सच है। हम झूठ न तो इसे कह सकते हैं न उसे कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो एक मध्यम मार्ग का सच है वो ये है कि शिकायतों के बाद निश्चित रूप से कुछ अच्छी कार्रवाई हुई है। संतोषजनक रूप से समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान हुआ है, अन्यथा जो आवाज श्रावक समाज की देश के विभिन्न प्रदेशों से सेवा के लिए आए, उनकी एक तरह की आवाज ये नहीं आई होती। यह दृश्य एक संभवतया डाल कुटीर विहार का है, जैसा कि मैंने आपको कहा, और वहां के जितने भी श्रावक समाज जो सेवा के लिए आया है उन्होंने इस व्यवस्था की भरपूर सराहना की है। बल्कि एक सज्जन ने तो यहां तक कहा कि गुवाहाटी के बाद इस तरह की व्यवस्था, इतनी संतोषजनक व्यवस्था उन्होंने पहली बार देखी है, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी यही बता रहे थे कि वो जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट दी गई है और स्क्रिप्ट उनको बोलनी है, ऐसा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं लगा। अच्छा संदेश है, अगर शिकायतों के बाद काम किया है और लोगों की शिकायतें खत्म हुई है और शिकायतों की जगह सराहना के स्वर आए हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय संदेश कहे जाएंगे और इससे इस बात की आशा जगती है कि जो आने वाले जो महीने हैं चातुर्मास के, उनमें अब तक की जो खामियों की चर्चाएं हुई है उनकी जगह अब खूबियों की चर्चाएं होने लग जाएं। हम ये आशा रखते हैं हो जाए,
तो बहुत अभिनंदन की बात है संस्था के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के लिए। अगर हम सवाल खड़े करते हैं, अगर हम यह कहते हैं कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो पद त्याग कर दीजिए, तो फिर हमारी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि अगर कहीं आपने कुछ अच्छा किया है और उसकी प्रतिक्रिया लोगों से अच्छी मिली है तो फिर हम आपका अभिनंदन, आपकी सराहना करने में भी पीछे नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी दोनों तरफ है। और मैं ये आशा रखता हूं कि ये जो एक कुटीर विहार की बात हुई है, ऐसी आवाज अन्य जो कुटीर विहार होंगे या फ्लैट्स होंगे वहां से भी लोगों के मन की आवाजें इस तरह की आए, ऐसा न हो कि सिर्फ एक जगह से ऐसी आवाज आ गई और अन्य जगह से वो आवाज अभी शिकायत की जो पहले थी वो की वो कायम है, तो फिर ये प्रशंसा ये आधी अधूरी हो जाएगी और इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आपने व्यवस्थाओं में सुधार किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, पर व्यवस्थाएं समूची सुधरनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक कोने की व्यवस्थाओं में सुधार हो जाए और बाकी के क्षेत्र व्यवस्थाओं के लिए तरसते रहें। मैं निवेदन करता हूं कि संपूर्ण रूप से लोगों के मन की आवाज संतुष्टि की आए और भविष्य में अगर हमें कोई वीडियो बनाना पड़े तो हम संतुष्टि का वीडियो ही बनाएं, शिकायत का बनाने के लिए लोग हमें मजबूर न करें। इसके लिए आपको ऐसी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी, पूरी पकड़ रखनी होगी। यहां पर एक सबसे बड़ी बात कि जितने भी उस कुटीर के श्रावक थे सबने प्रकाश चंद जी की बड़ी सराहना की। मुझे नहीं मालूम प्रकाश चंद जी किस पद पर हैं, लेकिन उनकी सराहना अच्छी हुई है, उन्होंने काम किया है। इसके लिए डिजिटल फर्स्ट न्यूज भी उनका साधुवाद ज्ञापित करता है। अगर लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो फिर हम आपको अच्छा बोलने के लिए बाध्य हैं। अगर लोग आपकी शिकायत करेंगे तो फिर चाहे हमारे आपके रिश्ते कितने ही आत्मीय क्यों न हो, हमें वहां पर वो ही कहना होगा जो पब्लिक कहती है। आपने अच्छा किया है, अगर लोगों की सराहना इस तरह से आई है, हम आपको साधुवाद देते हैं, पूरी टीम को देते हैं और ये कामना करते हैं कि ये स्प्रिट आपकी बनी रहे और इस तरह से बीच बीच में लोगों के दरवाजे पर जाकर के लोगों का कुशल क्षेम ये पूछना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। ये अगर ऐसा होता है तो छोटी मोटी तकलीफ को लोग भूल भी जाते हैं, फिर वो नहीं कहते क्योंकि उन्हें इस बात की संतुष्टि होती है कि व्यवस्था करने वाले खुद उनके दरवाजे पर आए हैं। इसलिए बीच बीच में यह क्रम भी आपका चलता रहे, यह भी हमारा निवेदन है। तो विवर्ष छापर चातुर्मास से ऐसी पहली लिंक हमें देखने को मिली, जो दिखा, जो लोगों ने कहा, हम उसी धरातल पर अपनी बात कह रहे हैं और हमें वो ही कहना चाहिए। बस हम ये कामना जरूर करते हैं कि पूरे परिदृश्य में संपूर्णता से इस तरह की व्यवस्था हो
ताकि सभी कुटीर सभी फ्लैट्स में रहने वाले लोग जो कि बाहर से आए हैं वो इस बात को कहें कि हां सेवा का आनंद आ रहा है, अब कोई समस्या नहीं है। अगर लोग ये भी कहते हैं कि अब कोई समस्या नहीं है, हम तो तब भी संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर लौट आए तो उसे भुलावा नहीं कहते। तो एक बार पुनः व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जी मानक चंद जी नाटा जी और उनकी पूरी टीम को इस वीडियो के दृश्य को देखने के बाद हृदय से बधाई और यह कामना कि यह दृश्य ही दिखेंगे, आगे कोई शिकायती स्वर न सुनाई पड़े, व्यवस्था को इतनी चाक चौबंद कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।